नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। थाना धामपुर में एक शख्स जो सरेआम थाने में घुसकर पुलिस कर्मियों के सामने पुलिस वालों से गाली से बात करता रहा, धमकाता रहा और खरी खोटी सुनाता रहा, और उसकी भाषा में भी कोई सुधार नहीं था। लेकिन यह शख्स बार बार पुलिस को अबे तबे से बोल रहा था, फिर भी पुलिस इज्जत देती रही। आखिर पुलिस मौन क्यों थी और क्या वजह थी पुलिस के मौन होने की? क्या वह कोई दबंग व्यक्ति था, या कोई बड़ा नेता, या मंत्री का रिश्तेदार, या कोई पुलिस का बड़ा अफसर है? आखिर यह व्यक्ति कौन है जिसके हौसले इतने बुलंद हैं कि थाने में घुसकर एक पुलिस कर्मी, जो कि प्रशासन की एक कड़ी है, यह शख्स अपनी भाषा में, जो कि गलत शब्दों का इस्तेमाल कर उन्हें बार बार धमकाता रहा और चेतावनी भरे शब्दों में उसको देख लेने की बात करता है। इस शख्स को सत्ता का नशा है या फिर कोई और? आखिर यह शख्स है कौन? अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है। धामपुर से हमारे संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। मुंशी है, मैं भैंस मुंशी है। तो ऐसे कर करोगे? इसका नाम बताओ मुझे, बस इतना बता दो। नाम क्या है तेरा? नाम बता दे भाई, नाम में क्या जा रहा है तेरा? अरे तुम कल आगे बात कर ले। अरे धर्म, मुझे कल बात कल बात नहीं करनी, तू अभी बता। तुम जो करना तुम कर लेना ना, पता कर लेना। रुक जाओ एक मिनट, मुझे तो चला। मुझे इतना बताओ भैया, यहाँ पे जितने हैं मुझे उसकी डिटेल चाहिए। भाई साहब यहाँ के मुंशी है ये, मुझे बताओ तो। हाँ, ये बताओ बात नहीं करनी मुझे, मुझे आपसे बात नहीं। तो आप इंस्पेक्टर साहब से बात कर लो, नंबर ले लो। हाँ नंबर ले लो। हाँ इंस्पेक्टर नंबर ले लो आप, बात करिए। इनका मुझे नाम चाहिए अभी, क्या चीज मिल जाएगी? मुझे सिर्फ इसके नाम चाहिए भैया। मैं आपसे अरे भैया मैं तेरी बात बता रहा हूँ। तो ना तू बहुत, तू भाई तू भी बहुत छोटा है, तू बहुत छोटा है। चलो हम छोटे, तू बहुत छोटा है, छोटे। हाँ चलो आप नंबर ले लो। हाँ नंबर ले लो, नंबर मुझे तेरा नीचे, मुझे इसका नाम चाहिए। अरे मुझे इसका नाम चाहिए, नंबर ले लो। बैच कहाँ है तेरा? क्या बैच कहाँ है? क्या तुम पूछोगे मेरे से बैच? हाँ, क्यों नहीं पूछूंगा? ना मैं नहीं बताऊंगा। क्यों ना? आप मेरे अधिकारी, नहीं बताऊंगा मैं, नहीं बताएगा, नहीं बताऊंगा मैं। तो मैं तेरे सीजीएम से बात कर लूंगा। कर लेना बात, कर लेना डीजे साहब से बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। नो प्रॉब्लम। हाँ कर लेना। अच्छा कर लेना। तू बेटा तू बहुत ज्यादा ना, मैं गलत हूँ ठीक है ना? ना मैंने गलत पूछा। ये अपने घर जा रहा है। अबे चुप रह। तो रात में हम पूछेंगे। अबे क्या नहीं मेरी बात। अबे आप क्या सुनो, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अबे अबे क्या है? अबे है देना है। इसका नाम बता। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मुझे इतना बता दे इसका नाम क्या? इंस्पेक्टर साहब से बात कर ले। मुझे इंस्पेक्टर साहब नहीं चाहिए, मुझे इसका नाम चाहिए। मुझे इसका नाम चाहिए। नहीं सर आप पी के घूमोगे ये बना लो। अरे मेरे गांव में बना रहे कौन नहीं बना भैया? मुझे आपका नाम चाहिए। नहीं भैया क्यों कह रहे हो? नहीं रुको रुको, क्यों बना के बना ले? अब क्यों भैया कह रहे हो? बना लो बना। जैसे पहले कह रहे थे ना वही बोल लो ना। अबे यार अबे कहो और गाली दो। जैसे अबे कह रहे थे और गाली दो। मुझे नाम बताइए आपके। आप इंस्पेक्टर साहब, मुझे सबके नाम चाहिए यहाँ के। आप इंस्पेक्टर साहब का नंबर ले लीजिए। हाँ दिखाइए बात, लिखिए 94-44। अभी तो कोई नहीं उठाएगा मुझे पता है, लेकिन मैं सुबह कॉल करूंगा। हाँ बिल्कुल आप कॉल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 94-54-40 31-40 31-28 31-28। क्या नाम है इनका? पी के सिंह। 94-54-40 31-28। क्या नाम इनका? ठीक है सर। वो चले गए क्या यहाँ पे? कौन? जो एएसपी थे पहले। कौन? राजराम। राजराम कौन? राजराम थे ना पहले, राम अरे साहब, एसपी आर साहब है वो, एसपी आर साहब। इसका नाम बता। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप फोन पे बात कर लो। अरे मुझे कोई, मुझे पहले आप कारण बताइए, बात क्या हुई है? मेरे मुझे आप कुछ बता ही नहीं रहे हो। मैं, आप सीधे सीधे वही वाली बात कर रहे हो। मुझे इतनी बात नहीं है, मुझे इतनी बात नहीं है। मुझे मैंने आपके अपने अधिकारी के नंबर तक दिया। अच्छा ठीक है, आप मुझे बात भी नहीं बता रहे। भाई अपना घर के बाहर था, अपने घर के बाहर। ठीक है, अपने घर के बाहर आदमी खड़ा नहीं हो सकता? हाँ खड़ा हो सकता। क्यों? तो फिर ये आदमी अपने घर के बाहर खड़ा था, ये कैसे बोल रहे? घर से बहुत दूर था ये, घर से बहुत दूर था, हम बहुत दूर से लेगा ये। सुन लो एक मिनट,
अगर रात को पुलिस घूम रही है, रात को कप्तान साहब ने आदेश करे सुनो रात में नहीं तो आप उनसे बात करोगे ना, आप गाली किसने दी, गाली किसने दी, गाली किसने दी, गाली किसने दी, कितनी गाली दी, किसको दी, कितनी गाली दी आपने, गाली किसने दी, फोन का हमें सुन रही थी, खुला था फोन का, उन्हें कही कल कौन है बहन का लोटा, कही तुमने, तुमने कही फोन पे, क्या गाली दे तुम माँ बहन के फोन पे, तुमने इसको दी भाई, किसको दी, तूने इसको दी है, हमने ऐसा गाली नहीं दी, घर घर जाने से पहले तुमने पता क्या बोला मेरे को, तुमने पता क्या बोला मेरे को, आप मुझे इतना बोला क्या नाम क्या है ना, ये बंदा जा रहा है, मतलब मेरे को हमने कहा घर जा, अपने घर जा, बस इतनी बात कही, और तुमने कही कल बात कर ले, हमने बात नहीं करी, फिर फोन पे से गाली कल कौन है बहन का लोटा मदर चोद, लहजा होता है, लहजा तू सिखाओगा, मैं लहजा मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे बस भैया इनका नाम चाहिए, मुझे इनका नाम चाहिए, सुबह मिल जाएगी, जैसे गाली देकर बात करते ऐसे नाम पूछो ना, आपको मैंने इंस्पेक्टर साहब का नंबर दे दिया, वो मुझे कहेंगे इंस्पेक्टर साहब मैं सुबह कॉल कर लूंगा, मुझे पूछ लीजिएगा, वो कहेंगे तो मैं तुरंत बता दूंगा, मैं एसपी साहब से बात कर लूंगा, मैं सीओ से बात, आप किसी से भी बात कर लीजिए, आप स्वतंत्र हैं, इसको लिया आजाद हो, अच्छा आप मानते हो स्वतंत्र है, बिल्कुल, आप बताइए इन्होंने कैसे बात करी है, तो भैया आपके आप नहीं नहीं आप इनको छोड़ो, इनको छोड़ो, आप मेरे को एक चीज बताओ, इन्होंने कैसे बात करी, नहीं नहीं हम स्वतंत्र आदमी है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं एक टैक्स पे वाला बंदा हूँ, ठीक है ना, मैं टैक्स पे करता हूँ यहाँ, नहीं मैं करता हूँ, मैं ज्यादा करता हूँ, मैं पहले से आपसे मैं ज्यादा करता हूँ, ठीक है ना, हालिया तो ठीक है, आप ये बताइए कैसे बात कर रहे थे आप, ऐसे बात कर रहे पुलिस वाले, कैसे बात कर, मतलब आपने, मतलब मुझे एक चीज बताओ, मैं वहाँ पे, मैं मुझे एक चीज बताओ, मैं मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, नहीं मैं एक अच्छा बंदा, मैं एक अच्छा बंदा, टाइम तो टाइम छोड़ो, अरे इस टाइम अगर गलियों में घूमेगा तो रोक नहीं सकती पुलिस, अच्छा बिजनौर की सभी ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।